विकास नगर में बढ़ते आपराधिक ग्राफ को देखते हुए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दो दिन पहले बाजार क्षेत्र में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दरअसल दो दिन पहले आपसी विवाद में रेड़ी लगाने वाले व्यक्ति ने पत्थर मारकर एक युवक की आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद क्षेत्र के गुस्साए लोगों ने बाजार में प्रदर्शन किया और बाजार के हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पर इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन के साथ ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से प्रशासन सख्ती से पेश आएगी। वही विधायक ने दो टूक कहा कि क्षेत्र में माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोनों ही दोषियों को, आरोपियों को पकड़ भी लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई कराना पहले ज्यादा जरूरी था, लेकिन इस घटना को हम एक लार्जर कंटेक्स्ट में ऐसे देखते हैं कि एक ट्रेंड उभर रहा है कि बाहर से आकर के तमाम तरीके से आपराधिक गतिविधियों में, नशे के कारोबार में, अवैध धंधों में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और ज्यादातर केसेस जब भी कभी इस तरह की कोई वारदातें होती है, जब उसके हम जड़ पे जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये मिलता है कि बाहरी क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ के परिस्थितियाँ, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं और ये आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए आज भी मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, SSP को और स्थानीय पुलिस को बहुत सख्त तरीके से ये कहा है कि इन सबको बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई